डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। डिबेट का मतलब क्या होता है? बहस करना, मतलब दो या तीन व्यक्तियों के बीच में जब किसी मुद्दे को लेकर बातचीत होती है, उसमें किसी की शिकायत करना और उस अपना बचाव बीच बचाव करना, इसको डिबेट बोला जाता है। ठीक है, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में बहस। इन द स्टेट असेंबली ड्यूरिंग सेशन टाइम यू कैन ऑल्सो से स्टेट असेंबली टू लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्यसभा, सॉरी, इन द स्टेट असेंबली राज्यसभा में ड्यूरिंग सेशन टाइम सत्र के दौरान मेंबर्स क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड ड्रॉ इट्स अटेंशन टू सिग्निफिकेंट इश्यूज। मेंबर्स जो हैं वो सरकार से प्रश्न करते हैं एंड ड्रॉ इट्स अटेंशन टू सिग्निफिकेंट इश्यूज, और कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करवाते हैं। ठीक है, अटेंशन। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड वन ऑफ द सेशंस ऑफ द स्टेट असेंबली। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब छात्रों का एक समूह। ठीक है, सपोज फोर स्टूडेंट्स मेक्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलना, अवसर मिलना टू अटेंड वन ऑफ द सेशंस ऑफ द स्टेट असेंबली। अटेंड मतलब एक सेशन में, राज्यसभा के एक सेशन में उनको मौका मिला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। द स्टेट असेंबली बिल्डिंग वॉज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर विथ ए ब्यूटिफुल प्लैंड लैंडस्केप। जो स्टेट असेंबली है, बिल्डिंग वॉज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर विथ ए ब्यूटिफुल प्लैंड लैंडस्केप। इम्पोजिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इम्पोज करना, मतलब लगाना, सपोज कानून इम्पोज करना या धाराएं इम्पोज करना। ठीक है, सपोज रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोज्ड लॉकडाउन ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इम्पोजिशन। ठीक है, विद ए ब्यूटीफुली प्लैंड लैंडस्केप। ठीक है, आफ्टर अ थोरो सिक्योरिटी चेक, इट इज़ नॉट थ्रू, इट इज़ थोरो। ठीक है, सिक्योरिटी चेक, दे वेर सीटेड इन ए गैलरी। गैलरी मतलब क्या होता है, जैसे कि समूहों का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, फ्रॉम दे कुड वॉच द वर्किंग ऑफ द असेंबली, वहाँ से वो असेंबली को देख सकते हैं। ठीक है, तो MLA 1 का क्वेश्चन इस प्रकार है। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ शाहपुर, शाहपुर जो कि उत्तर प्रदेश में शायद है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मतलब विधानसभा बोला जाता है। इन लास्ट 2 वीक्स मतलब पिछले 2 हफ्ते से दे आर रिपोर्ट्स ऑफ 4 डेथ्स ड्यू टू डेंगू। रिपोर्ट्स मतलब क्या है, समाचार आया है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है डेंगू से, एंड मोर देन 15 आर अफेक्टेड, और 15 लोग प्रभावित हुए हैं मतलब मौत से, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित होना। इट इज़ ए शेम दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड टॉल क्लेम्स इन द पास्ट। इट इज़ शेम मतलब ये शर्म की बात है कि सरकार ने पास्ट में बहुत सारे क्लेम्स किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे अपने राज्य के लिए, बट दे आर फेल टू डू सो। ओके, दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट इट्स आउटब्रेक हैज बीन टेकन। मतलब जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑल मेजर्स मतलब कदम उठाए जाएंगे, प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, आउटब्रेक जो है उसको रोकने के लिए। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट पोअर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मीन्स क्या होता है, ड्रेनेज यानी निकासी यानी नाली निर्माण। ड्रेनेज सिस्टम एंड स्टैग्नेंट रेन वाटर हैज़ मेड लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स। स्टैग्नेंट रेन वाटर मतलब गंदा पानी बरसात का, लोगों जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जिंदगी को बहुत दुखदायी कर दिया, मिजरेबल। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर
तो इस सब चीज़ के लिए हम हेल्थ मिनिस्टर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टू ब्रिंग अटेंशन मतलब हम हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस इशू के बारे में, दैट एनी फर्दर डिले इन एक्शन, एनी फर्दर डिले मतलब और ज़्यादा देरी होगी इस मतलब इस चीज़ को रहने में, तो इन एक्शन माइट टर्न इट इंटू एन एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स क्या होता है? महामारी, मतलब गंदगी से महामारी फैलने का खतरा रहता है। ड्यू टू अ डर्टीनेस एपिडेमिक कैन अकर, ठीक है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिडेमिक। MLA 2, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कोटेश्वर। अब ये कोटेश्वर का कॉन्स्टिट्यूंसी है मतलब कोटेश्वर विधानसभा, इज ऑल्सो फेसिंग एन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया। आउटब्रेक ऑफ मलेरिया मतलब आउटब्रेक मीन्स मतलब क्या होता है, प्रकोप यानी फैलना। मलेरिया मलेरिया जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। शॉर्टेज ऑफ बोथ स्टाफ एंड फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पतालों में बोथ स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, डॉक्टर्स इंक्लूड रहते हैं, नर्सेज इंक्लूड रहती हैं, पैथोलैब जो स्टाफ होते हैं, तो दे ऑल टुगेदर बिकम स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, हैव एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम। मतलब ये जो है इनकी कमी जो है और जो सुविधाओं की जो कमी है ये प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है, ठीक है। एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, पीपल हु कम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नॉट एफोर्ड ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं वो अपना इलाज निजी अस्पताल में नहीं करा पाते क्योंकि वो ट्रीटमेंट एफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब जो खर्चा रहता है उसको सहन नहीं कर पाते, वहन नहीं कर पाते एफोर्ड, बिकॉज इट इज कॉस्टली। ओके, सो हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद दिस सिचुएशन। तो गवर्नमेंट इसमें कैसा प्लान करता है, क्या नियोजन बनाता है कि इस सिचुएशन को डील किया जा सके, इसे मतलब सामना किया जा सके। वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सीरियस नोट ऑफ द सिचुएशन। हम सरकार का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो एक सीरियस नोट दे सके इस सिचुएशन के बारे में। MLA 3, वी हैव वॉइस्ड अवर अनहैप्पीनेस ऑन द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ। हमने अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। अनहैप्पीनेस मतलब हैप्पी मतलब क्या होता है, दुखी। अनहैप्पीनेस मतलब क्या होता है, हैप्पी मतलब क्या होता है, सुखी, और अनहैप्पी मतलब क्या होता है, दुखी। हम अपने दुख को व्यक्त कर चुके हैं ऑन द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, मतलब जो मेडिकल स्टाफ का जो शॉर्टेज है, जो कमी है, एंड पुअर फैसिलिटीज और जो खराब व्यवस्था है, एंड निगलेक्ट ऑन पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, और जो अस्पताल का जो निगलेक्ट हो रहा है मतलब उसको नकारा जा रहा है इन द पास्ट टू, बट गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट टेकन एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आवश्यक ठोस कदम नहीं उठाए। द कंडीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज वॉर्स। वॉर्स मतलब क्या होता है, बेड से भी बदतर, मतलब खराब से भी ज़्यादा खराब, उसको बोला जाता है वॉर्स, ठीक है। डॉक्टर्स गो ऑन लीव, डॉक्टर्स जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं, एंड देर आर नो सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या होता है कि जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह पर ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो डॉक्टर्स का काम कर सके, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। मैनी डॉक्टर्स डू नॉट वॉन्ट टू वर्क इन रूरल एरियाज़। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहते, इन विलेज एरियाज़, ठीक है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू वॉक माइल्स टू गेट मेडिकल अटेंशन। जो लोग रूरल एरियाज में हैं, गांव के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत माइल्स मतलब बहुत लंबी दूरी का यात्रा करना पड़ता है स्वास्थ्य मतलब सुविधाएं को लाभ पाने के लिए, मेडिकल अटेंशन। इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि वो टू एंश्योर दैट इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ताकि वो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सुविधाओं का प्रोवाइड करे टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने सभी नागरिकों पर। वॉट इज़ द गवर्नमेंट्स प्लान ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड। इस रिकॉर्डेशन में मतलब इस जो है जो इशू है इसके लिए सरकार
क्या प्लान तैयार कर रही है और क्या एक्शन लेने वाली है।